दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है देश की सरकार आर्मी को शराब पीने से क्यों मना नहीं करती है? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शराब हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है और अधिक मात्रा में शराब पीने से जान तक का खतरा हो जाता है। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि जब शराब सेहत के लिए इतनी हानिकारक है तो आर्मी में जवानों को इसे पीने से मना क्यों नहीं किया जाता और क्यों इन्हें सस्ते दामों में शराब दी जाती है? जी हाँ, हमें पता है सवाल काफी ज्यादा पेचीदा है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति ये बताने वाला हूँ कि आखिर आर्मी और शराब का आपस में संबंध क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर में लोग शराब पीने से मरते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर असर डालती है और इसी वजह से दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। ऐसे में जब इतनी सारी जगहों पर शराब पर प्रतिबंध लगा है तो देश की मिलिट्री को ये क्यों इतने सस्ते दामों में मिलती है? तो दोस्तों ऐसा होने के कई सारे कारण है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो शराब हमारे देश की आर्मी को दी जाती है ये काफी हाई क्वालिटी की होती है जिसके अंदर अल्कोहल वगैरह की मात्रा स्पेसिफिक होती है। हालांकि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि वो शराब नशा नहीं करती या फिर उसमें अल्कोहल होता ही नहीं है, लेकिन हाँ आर्मी द्वारा पी जाने वाली शराब और देसी ठर्रे में बहुत अंतर है। अब आप बोलेंगे कि हाई क्वालिटी की हो या फिर लो क्वालिटी की, शराब तो शराब है और ये बात हम बिल्कुल समझते हैं, पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर शराब है क्या। देखें, शराब पीने से इंसान को नशा होता है और जब नशा होता है तो उसका दिमाग पर एक अलग ही तरह का असर होता है जो चीजों को सोचने समझने और उनकी गहराई में जाकर खुशी या दुख मनाने की क्षमता को थोड़ा सा कम कर देता है। और ये चीज देश की रक्षा में काम कर रहे जवानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके सामने कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर उन्हें अपने और अपने परिवार का ख्याल आता है और इस तरह के ख्याल दिमाग में आते ही हैं और दिमाग हमेशा ये कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। हमें पूरा विश्वास है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा और हर इंसान के साथ ऐसा होता है, तो फिर देश की रक्षा कर रहे जवानों के साथ ऐसा होना लाजमी है। और उसी बड़बड़ाते हुए दिमाग को दिन भर की थकान के बाद शांत करने के लिए आर्मी के जवान शराब का सहारा लेते हैं। पर इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कहीं भी कभी भी कितनी भी शराब पी सकते हैं। हर एक चीज की लिमिट होती है और एक नियमित समय। अब ये सभी चीजें किस समय अवधि पर होती हैं, कब किसको कितनी शराब पीनी है, इसके अलावा अगर कोई शराब पीता या शराब के नशे में दिख गया तो उसको काफी बड़ी सजा मिल सकती है। अब ये सभी चीजें किस तरह होती है आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जवानों को सियाचिन और लद्दाख जैसे इलाकों में देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहना पड़ता है और इस तरह के इलाकों में कितनी ठंड पड़ती है ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में शरीर को गर्म रखने और अपने अंदर काम करने की ऊर्जा बनाए रखने के लिए जवानों को शराब दी जाती है ताकि वो हल्की सी शराब पीकर अपने अंदर थोड़ी गर्माहट ला सके और चौकन्ने होकर देश की रक्षा करें। अब शराब देने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जवान पुलिस वालों की तरह शराब पीकर दंगा करें, नहीं बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ उसी मात्रा में शराब दी जाती है जितनी उनको चढ़े ना। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि शराब तब ज्यादा चढ़ती है जब पेट में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा खाना खाया है यानी आपका पेट भरा हुआ है और आप शराब पी रहे हैं तो शराब का असर उतना ज्यादा नहीं होगा और यही चीज जवान भी आजमाते हैं। जब कभी भी वो शराब पीते हैं तो उसके साथ अच्छा खासा खाना भी खाते हैं। अब अगर हम शराब पीने के समय अवधि की बात करें तो ड्यूटी के दौरान या फिर ट्रेनिंग के दौरान शराब पीने की सख्त मनाही है क्योंकि भले ही जवानों को शराब पीने दी जाती हो पर इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो अपने बड़े अफसरों के सामने शराब पीकर उनकी तौहीन करें, क्योंकि देश की रक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे शराब के नशे में पूरा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ऑफिसर ग्रेड के लोगों से लेकर नॉर्मल सोल्जर तक को ड्यूटी के वक्त शराब पीने से मना किया जाता है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग में भी शराब बिल्कुल बैन है क्योंकि ट्रेनिंग का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जिसे पूरे होशो आवास में निभाना होता है। अब वो बात अलग है कि जवानों को शराब पीने के बावजूद अपने आप को संतुलित रखने की आदत है, लेकिन फिर भी नियम तो नियम होते हैं और सेना का सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई भी ट्रेनिंग के दौरान अपनी सुध बुध नहीं खोएगा।
और पूरे होशो आवास में ट्रेनिंग पूरी करेगा ताकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बनी रहे। अब आप समझ गए होंगे कि ऑन ड्यूटी या फिर ट्रेनिंग के दौरान शराब को हाथ लगाना मना है, पर उसके अलावा जवान शराब पी सकते हैं ताकि वो अपने परिवार से दूर रहने के गम को उतना ज्यादा महसूस ना करे और दिन भर की थकान के बाद नींद की दवा के तौर पर थोड़ी सी शराब लेकर सो जाए। हालांकि कई बार तो ज्यादा ठंड पड़ने पर शराब को दवाई की तरह जवानों को दिया जाता है। जी हाँ, जो जवान शराब नहीं भी पीते उन्हें भी दवाई के तौर पर शराब पिलाई जाती है ताकि उनके शरीर में उतनी ज्यादा ठंड ना लगे, वरना तो बर्फीले इलाके में हर समय चौकन्ना रहने में जवानों की हालत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप ये समझ गए होंगे कि जवानों को शराब के नशे में धुत होने या फिर उनका लीवर किडनी खराब करने के लिए नहीं, बल्कि हालातों से जूझने और ठंड में अपने आप को बचाए रखने के लिए दी जाती है शराब, ताकि वो अपने चलते दिमाग को थोड़ा रेस्ट करके आराम की नींद ले सके। इसी वजह से आपने हर तरह के लोगों को शराब के नशे में धुत होते हुए तो देखा होगा। लेकिन सेना में काम करने वाले लोग शराब तो पी लेंगे, लेकिन उन्हें आप कभी इसके नशे में झूमते हुए नहीं पाएंगे, और इसी को कंट्रोल और डिसिप्लिन कहते हैं जो वो लोग अपने अंदर विकसित करते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप अपना मूड बदलना चाहते हैं तो अभी अभी हमारे दूसरे चैनल वर्सेटाइल वी एक्सप्लेनर पर लूडो फिल्म का एक्सप्लेनेशन आया है, जाकर देखिए। और हाँ, पूरा देखना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।